दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मोजीदरा आप सबके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। बहुत लोगों के फरमाइश थी कि ओपनिंग में किंग्स इंडियन डिफेंस बहुत ही फेवरेट है आजकल, तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट किंग्स इंडियन डिफेंस। दोस्तों, मैंने बहुत बार ये ओपनिंग खुद खेल के ट्राई की है। आप मेरे ली चेस अकाउंट में जाके मेरी गेम्स देख सकते हो, प्ले विथ वाइट, आप रैपिड या क्लासिकल सभी जो मेरे गेम्स है उसमें आप सर्च करके वाइट की गेम्स देख के हाउ टू प्ले अगेंस्ट किंग्स इंडियन डिफेंस बहुत सारी गेम्स आपको मिल जाएगी। तो किंग्स इंडियन डिफेंस के सामने कैसे आपको खेलना है इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में ये ओपनिंग बनाई है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और पूरी गेम्स भी बाद में मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि लेटेस्ट मैंने एक गेम खेली थी बहुत ही इफेक्टिव रही है। तो यहाँ पे हम किंग्स इंडियन डिफेंस यानी D4 हम जब वाइट से खेलते हैं, मेरी फेवरेट ओपनिंग है कॉलेज सिस्टम। कॉलेज सिस्टम में मैं D4, नाइट F3, E3, बिशप D3, B3, बिशप B2, नाइट D2, शॉर्ट कैसल, ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ कॉलेज सिस्टम में। और दोनों बिशप किंग साइड अटैक कर रहे हैं और नाइट E5 देन F4 भी आता है कभी कभी, तो ये कॉलेज सिस्टम का मेन स्ट्रक्चर है। लेकिन आज मैं बताने जाने वाला हूँ कॉलेज सिस्टम अगेंस्ट किंग्स इंडियन, मतलब कॉलेज इसमें होगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग पोजीशन हम देखते हैं D4, वाइट खेलता है नाइट F6। किंग्स इंडियन प्लेयर ऑलवेज पहले नाइट F6 करते हैं, कई लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए D6 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि नाइट F6 के बाद आपको खेलना है कॉलेज सिस्टम का सेकंड मूव जो है नाइट F3। यहाँ पे दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि वो G6 खेल रहा है या फिर D5 खेल रहा है। तो D5 में आपको मेन कॉलेज सिस्टम खेलने को मिलेगा क्योंकि किंग्स इंडियन में D5 ज़्यादातर नहीं होते हैं, तो D5 में आप E3 करके आगे कंटिन्यूस कॉलेज सिस्टम खेल सकते हो। लेकिन नाइट F6 इसके सामने NF3, D4, नाइट F6, NF3, अब यहाँ पे ब्लैक G6 अगर करता है तो ये हो गया किंग्स इंडियन डिफेंस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई देना है नाइट C3। नॉर्मल में कॉलेज सिस्टम में नाइट BD2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम खेलेंगे नाइट C3। इसका मेन रीजन है कि आपको ब्लैक को फोर्स D5 करवाना है यहाँ पे। D5 इसलिए कि अगर ब्लैक ने D5 नहीं किया, बिशप G7 किया, तो आप यहाँ पे E4 करके पूरा सेंटर अपने कंट्रोल में ले लोगे। तो E4 के बाद वाइट की गेम बहुत ही अग्रेसिव रहेगी। तो ये पोजीशन में अगर ब्लैक ने बिशप G7 किया है तो यहाँ आपको खेलना है E4। उसके बाद शुरू से देखते हैं D4, नाइट F6, NF3, G6, NC3, D6, E4, बिशप G7। कई बार PG7 पहले आता है या कई बार D6 पहले आता है, मतलब स्ट्रक्चर तो यही रहेगा ब्लैक का। अब BG7 के बाद यहाँ पे देखना है आपको बिशप D3 नहीं खेलना है। खास ध्यान रखो कॉलर सिस्टम में BD3 होता है, लेकिन अगेंस्ट किंग्स इंडियन बिशप E2 इज गुड। बिशप D3 इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि ये जो डायगोनल है यहाँ G6 पॉन ऑलरेडी चला हुआ है, तो ये बिशप H7 पे कोई टारगेट नहीं करेगा। तो बिशप E2 सेफ मूव है, बाद में ये अटैकिंग मूव भी होगा। इसके बाद ब्लैक खेल रहा है कैसल। यहाँ आपको कैसलिंग की कोई जल्दी नहीं करनी है, क्यों कि ब्लैक को कैसलिंग करने का पहला राइट है ही नहीं। अगर ब्लैक ने पहले कैसल किया है तो इस टाइम पे आपको अर्ली अटैक कैसे हो ये सोचना है। तो यहाँ पे हम अर्ली अटैक के बारे में सोचेंगे, तो पहले खेलेंगे बिशप F4। आइडिया बिहाइंड दिस मूव क्वीन D2 देन बिशप H6, तो ये उसका स्ट्रॉन्ग बिशप हम एक्सचेंज करने के बारे में सोचेंगे। तो बिशप F4 के सामने ब्लैक रिप्लाई दे रहा है B6। अब देखो ब्लैक B6 क्यों करेगा, ब्लैक बिशप G4 भी तो कर सकता है, लेकिन BG4 कोई इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी बिशप E2 खेला हुआ है। तो अगर BG4
में भी हम S3 करेंगे, फिर हमें ही टेम्पो मिलेगा। तो यहाँ पे BG4 ज्यादा अच्छी मूव नहीं, इसलिए ब्लैक खेलेगा B6। B6 के बाद क्वीन D7, क्वीन D2, यहाँ पे हमारा टारगेट है Bishop H6। अब ब्लैक रिप्लाई देगा Bb7, यहाँ पे इस पॉन पे थ्रेट है। सिंपल आपको यहाँ D5 कर देना है। देखो C6 और E6 दोनों आपके कंट्रोल में है दोस्तों, तो यहाँ पे गेम खेलने का बहुत ही मजा आएगा इस पोजीशन से। आफ्टर Bb7 D5 और फिर ब्लैक यहाँ ब्रेक करने के लिए अगर C6 करता है तो आपको सिंपल इसे कैप्चर भी कर सकते हो, या फिर लॉन्ग कैसल करके उसे मारने का मौका देके अपना दूसरा पोन इधर ला सकते हो। लाइक दिस, अगर उसने तुरंत C6 किया तो आपको मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप H3 करके अर्ली अटैक H3 G4 और ये कर सकते हो। तो ये है कोले वर्सेस किंग्स इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आप लॉन्ग कैसल करके काफी अच्छी तरह से अटैक कर सकते हो। मेरी एक गेम लेटेस्ट में हुई है ली चेस में, आप देख सकते हो। मैं ली चेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, वो गेम दिखाता हूँ पूरी। बहुत लंबी गेम चली है लेकिन मजा आएगा, देखो। और वीडियो को लास्ट तक देखियो। D4, यहाँ पे ब्लैक ने खेला था Nf6, Nf3, D6। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, ली चेस में मेरी रेटिंग 2100 से ऊपर है, तो सारे प्लेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिलते हैं मुझे, और गेम खेलने का मजा भी और आता है। D6 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने पहले D6 कर दिया, लेकिन D6 करे या G6, हमें समझ जाना है कि यहाँ पे किंग्स इंडियन ही खेलने वाला है। तो और कोले सिस्टम में नॉर्मली नाइट E5 आना चाहिए, लेकिन D6 पहले से नाइट E5 को स्टॉप करता है, तो यहाँ नाइट E5 का कोई जगह नहीं है। तो नाइट C3, उसके बाद ब्लैक खेल रहा है G6 और यहाँ मैंने खेला था E4। E4 के बाद Bg7। दोस्तों ऐसा नहीं कि ओपनिंग तैयार करने के बाद आप गेम जीत ही जाओगे, ऑन बोर्ड आपको कैसे मूव्स निकालने होते हैं इस गेम को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कितना बेहतरीन सेक्रीफाइस वाला मूव्स निकाला था, जिसमें इन बिटवीन मूव्स भी है, मतलब इंटरमीडिएट मूव, कि जो कोई पीस या पॉन मारने के बाद उसके बाद कोई हमारा पीस रिटर्न लेते हैं, ये मूव भी मैंने कैलकुलेशन किया है। तो पूरी गेम में एंड में आपको बहुत मजा आएगा, तो एंड तक देखिए। Bg7, यहाँ पे मैंने खेला है Bd2, उसके बाद ब्लैक कैसल, यहाँ पे Bf4, यही मेरा प्लान है। Qd2, ब्लैक खेल रहा है Bc6, यहाँ पे Qd2, Bb7, और यहाँ ये पॉन पे डबल अटैक है, तो सिंपल D5, ब्लैक प्लेड C6। यहाँ पे मैंने इग्नोर किया है C6 को, H3 किया है क्योंकि ऑलरेडी पॉन को तीन सपोर्ट है। तो CD5, यहाँ पे E takes D5, ये पॉन D5 पे आपका बहुत ही इफेक्टिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे E6 को भी स्टॉप करते हैं। तो CD5 D5 उसके बाद ब्लैक प्लेयर यहाँ Nb7, यहाँ पे मैंने G4 करके अर्ली अटैक शुरू कर दिया है। देखो आपने कैसल नहीं किया है लेकिन खेलने का कितना मजा आ रहा है, आपके पास दोनों साइड के कैसलिंग की चॉइस अभी भी रुकी हुई है, आप कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा आइडिया था लॉन्ग कैसल का, लेकिन मैं थोड़ा वेट करके अटैक करके करना चाहता था। आप भी इसी तरह गेम खेलोगे तो बहुत ही सक्सेस होंगे। यहाँ पे G5, उसके बाद Nc5। ब्लैक का आइडिया है Ne4, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया है, कोई जरूरत नहीं है मूव वेस्ट करने की। लॉन्ग कैसल, Nf4, एक Nt, आफ्टर Nt4। अब आपको यहाँ पे क्वीन के लिए E3 बेस्ट है क्योंकि Nf2 थ्रेट भी है और क्वीन E3 नाइट पे अटैक करके मूव करेंगे। अब नाइट को वापस ही लेना होगा, Nc5 इज गुड। यहाँ पे ब्लैक ने Nc5 किया, उसके बाद Bishop H6, जो हमारा प्लान था वो अब कर सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग कैसल पहले करने का मेरा रीजन ये ही था कि Bishop H6 के बाद अगर उसने Bishop takes Bishop किया, हम क्वीन से बिशप मारेंगे तो ये पॉन हैंगिंग रहेगा जो बिशप से मरता है, लेकिन अब हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रुक D1 पे आ चुका है लॉन्ग कैसल के बाद। तो Bishop H6 ब्लैक में भी चाहा कि हमारी क्वीन को एंट्री नहीं देना है, अगर उसने मार दिया है तो अर्ली अटैक हो जाएगा, Ng5 से उसके मेट की थ्रेट आने वाली है। इसने खेला है क्वीन D7, Bishop takes G7,
किंग टेक्स g7, क्वीन d4 चेक, किंग g8, उसके बाद रुक hg1। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लान है h4, h5 और ये अटैक करने का। ब्लैक यहाँ पे क्वीन a4 डबल अटैक कर रहा है और ब्लैक सोच रहा है कि हमारा अटैक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो यहाँ पे ब्लैक चाहेगा कि क्वीन एक्सचेंज हो जाए, लेकिन यहाँ मुझे हर एक मूव अटैक मतलब टेम्पो के साथ मिल रहे हैं, इसलिए मैंने क्वीन एक्सचेंज कर ली क्वीन a4। क्वीन a4 करने से हमें एक तो फायदा ये है कि उसका नाइट a4 जाना पड़ेगा और आउट ऑफ प्ले नाइट हो जाएगा, तो हमें एक मूव गेन करने को मिलेगा। तो आफ्टर नाइट a4 हमें यहाँ h5 का मूव मिला, नाइट c6, ब्लैक वापस से नाइट c5 आ रहा है, उसके बाद नाइट g5। अब यहाँ पे मैंने उसे वीकनेस के लिए नाइट g5 किया है, मुझे पता है वो h6 या f6 खेलेगा और उसने यही मिस्टेक की है f6। दोस्तों यहाँ पे नाइट e6 पावरफुल नाइट, अब ये कोई भी प्लेयर इसे मारना ही चाहेगा, क्योंकि ऐसी जगह पे अगर नाइट बैठा है तो फ्यूचर में नाइट c7 और बहुत सारे मूव्स है, नाइट टेक्स f8, नाइट टेक्स c5। यहाँ पे ब्लैक ने नाइट टेक्स नाइट कर दिया और मैं यही चाहता था कि मेरा एक पॉन e6 पे आ जाए ताकि f7 हमारे कंट्रोल में आ जाए। अब f7 कंट्रोल करने का एंड में बहुत ही फायदा मिला इस गेम में दोस्तों। तो आफ्टर Nxg5 यहाँ पे ब्लैक ने खेला है g5। उसके बाद Bb5, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ब्लैक Rc8 खेल रहा है पहले, यहाँ पे हमने खेला है h5 के बाद यहाँ ब्लैक ने खेला है g5, पूरा ब्लॉक करना चाहता है वो। दोस्तों g5 के बाद Bb5, आइडिया बिहाइंड दिस मूव, बिशप को यहाँ बिठाना चाहता हूँ, लेकिन ब्लैक ने रिप्लाई दिया Bc6 और यहाँ पे मैंने खेला है Bc6। आफ्टर दिस मूव Rc7, Bd3, ये आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि बिशप के मूव वेस्ट हुए, लेकिन ये मैंने पोजीशन वन बाय वन मूव्स करके इसे मैनोवरिंग कहते हैं पीसीस का, ये पहले बिशप इधर था लेकिन बिशप को इधर लाने के पहले सामने वाले के पीसेस के कुछ पोजीशन चेंज करके हम यहाँ आते हैं। इधर आने का एक दूसरा भी रीजन है कि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि b5 और फिर रुक b और हमारा बिशप ट्रैप हो जाए, तो ये सब लॉन्ग कैलकुलेशन करने के बाद Bd3 खेला है। आफ्टर Bd3 ब्लैक खेल रहा है यहाँ पे King g7, Rd f1, अब प्लानिंग है f4 का। ब्लैक खेला है Bd5, तो यहाँ पे हमें सेंटर पॉन बचाना है, इस पॉन को इग्नोर करके मैं यहाँ पे Bf4 खेल रहा हूँ, Bb takes a2 और यहाँ खेला है f4, Bc4 ब्लैक प्लेड, Rf2, उसके बाद Bd5। ब्लैक का प्लानिंग है कि अब दोनों रुक ओपन में लाए, लेकिन कुछ उसे मौका मिला ही नहीं दोस्तों ये गेम में। Bd5 के बाद यहाँ मैंने एक पॉन सेक्रीफाइस दिया है h6, लेकिन वो ले नहीं सकता है, अगर वो ले लेता King takes h6 तो जल्द ही हमारी गेम विनिंग में आ जाती, Rh2 चेक, देन Rh7 चेक। तो ये थ्रेट थी, इसलिए उसने King takes h6 एक्सेप्ट नहीं किया सेक्रीफाइस। ब्लैक प्लेड हियर Qh8, Rg3, रुक का मेनोरिंग, रुक को डबल करना चाहते हैं हम, उसके बाद G×f4, Rc×f4, Rg8, Rf1, आइडिया Rg3 करके फिर ये पॉन को प्रेशर देना। तो Rf1 के बाद ब्लैक Bb7, Ra3, यहाँ पे कुछ हम कई कई मूव ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन
छोटी छोटी थ्रेट देने में मजा आता है। रुक ए थ्री, अब यहाँ पे रुक क्रॉस ए सेवन की थ्रेट है, तो ब्लैक रिप्लाई बिशप ए, और ये उसकी सबसे बड़ी गेम में मिस्टेक वाली मूव है, क्योंकि बिशप एकदम लास्ट रैंक पे कोई काम नहीं करेगा, बहुत ही डेंजर है ब्लैक के लिए। बिशप ए के बाद वापस रुक ने अपना काम कर लिया है, तो रुक जी थ्री वापस, रुक जी थ्री, उसके बाद रुक सी फाइव, और यहां आपको मेरी सबसे विनिंग मूव, बेस्ट मूव मिलेगी, पॉन टू जी फाइव, पॉन सेक्रीफाइस एफ क्रॉस जी फाइव। मैंने ये भी सोचा कि रुक क्रॉस जी फाइव करेगा, तो रुक क्रॉस जी फाइव, देन एफ क्रॉस जी फाइव, देन बिशप डी थ्री। तो यहां पे दोस्तों उसने एफ क्रॉस जी फाइव किया, अब हमारी इंटरमीडिएट मूव जो है बिशप डी थ्री। अब देखो नेक्स्ट थ्रेट क्या है, अगर वो रुक ई फाइव करता है तो रुक एफ सेवन और फोर्स चेकमेट आए। तो यहां पे उसने दोस्तों पहले से ही रुक सी फाइव किया डी फाइव के बजाय, रुक डी फाइव किया सॉरी, अब मैंने रुक एफ सेवन किया और बाद में उसे कंपलसरी रुक टेक्स बिशप करना पड़ा। अगर वो रुक से बिशप नहीं मारता है तो उसकी मेट की थ्रेट खड़ी है दोस्तों यहाँ पे, तो मेट की थ्रेट बचाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है, अगर ये रुक हटाता है तो भी व्हाइट इजीली विन हो जाएगा, रुक टेक्स पॉन चेक, देन किंग जी एट, उसके बाद रुक चेक और फिर रुक टेक्स डी सेवन, और सिंपल विनिंग गेम है। तो यहाँ पे उसने रुक सेक रुक दे दिया है हमें मेट बचाने के लिए, रुक क्रॉस डी थ्री कर दिया, और मैं जानता था ये कंपलसरी मूव है, रुक क्रॉस डी थ्री, सी क्रॉस डी थ्री, उसके बाद जी फोर, मैंने एक वेटिंग किया किंग डी टू, उसके बाद बिशप डी फाइव, रुक टेक्स डी सेवन, बिशप रुक टेक्स ए सेवन, रुक से पॉन पे अटैक किया, लेकिन वो मार नहीं सकता, मेट की थ्रेट है रुक एट से, तो मैंने इसका फायदा लिया है रुक एफ सेवन। अब मुझे पता है कि वो पॉन मारेगा तो यहाँ पे मेट हो जाएगी, मेट बचाने के लिए किंग जी एट गया, और सिंपल नेचुरल मूव थी ब्लैक के लिए, कोई भी प्लेयर मैं भी होता तो किंग ही खेलता इधर, लेकिन ये मूव भी गलत है, रुक टेक्स एफ थ्री के बाद ब्लैक रिजाइन। तो ये गेम काफी बेहतरीन थी, एंड गेम तक की जो टैक्टिकल मूव इसमें आपको बहुत देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो पूरी गेम दो बार देखिए, बहुत ही मजा आएगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब मेरे नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।